और तुलसीदास जी तिलक करने लगे, छवि को बलिहारी चले गए लेकिन पहचान ना पाए। हनुमान जी बैठे हुए तोता बने दूर पेड़ पर, हनुमान जी ने कहा ये भक्त ऐसे पीछा ना छोड़ेगा, प्रभु रामचंद्र जी निकल जाएंगे और फिर तेरे राम नाम में यूं व्यावधान डालेगा हो, इससे तो या शिष्य की सहायता कर रहे, इसीलिए कह दिया हनुमान जी कह रहे हैं। तुलसी चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, और तुलसी चंदन के से तिलक देते रघुवीर। क्या करें हनुमान जी, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, और तुलसी चंदन के से और तिलक देते रघुवीर। मैया मानो यहां दो भाव, एक भाव तो यह है कि तुलसी बाबा ने प्रभु राघवेंद्र सरकार को तिलक किया, जो कि बार बार उन्होंने कहा कि बाबा तिलक कर दो, हमें तिलक नहीं दोगे। दूसरा भाव यह भी है कि प्रभु राघवेंद्र सरकार ने भी तुलसी बाबा को तिलक लगाया, और जैसे ही तिलक किया और हनुमान जी ने कहा चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, और तुलसी चंदन से तिलक देते रघुवीर। जैसे ही हनुमान जी ने कहा, जो तुलसी बाबा हैं वह प्रभु की छवि देख के बलिहारी गए, उसी में खो गए, तुरंत उनकी मुद्रा टूटी, जो ध्यान मुद्रा है तुलसी बाबा की वो टूटी, और राघवेंद्र सरकार का हाथ पकड़ लिया कि प्रभु अब नहीं जाने दूंगा, वास्तव रूप में आ जाऊं। और यहां पर कहते हैं तुलसी मस्तक जबे जोगे, तुलसी बलियारी छवि, तुलसी बलिहारी छवि। तुलसी बाबा कह रहे हैं ये प्रभु वैसे तो आप मेरी बालियों में आए हो ना, इस छवि पे भी मैं बलिहारी हूं। तुलसी बलिहारी छवि, पर कह रहे पर बाबा, पर राघवेंद्र सरकार तुलसी मस्तक जब झुके, जब धन से बाण ले तुलसी बाबा कह रहे प्रभु आपकी इस छवि की भी मैं बलिहारी बलिहारी जाऊं, लेकिन मैंने आपके जो रूप की आराधना की, आपकी जो छवि की आराधना की है, लक्ष्मण भैया आपके साथ में, सीता भैया आपके साथ में, धनुष बाण आपने हाथ में लिया हुआ है, मैंने आपकी उस छवि की आराधना की है, मेरा मस्तक आपके सामने जब ही झुकेगा जब आप उसी रूप में मुझे दर्शन दें, लाला रूप में तो आप मेरे लिए लाला ही हो, मैंने तो आपकी उस रूप की आराधना की है इसलिए आप उस रूप में आओ। तो कहते हैं राम नाम के हीरे मोती मैं बिकता हूँ गली गली, ले दो रे कोई राम का प्याला, तो बजाऊं गली गली Oh.
सोरे संत जो हमारे संत महात्मा है देवता है उनके उद्धार के लिए प्रभु बारंबार इस पृथ्वी धरा पर अवतार लेते हैं। कहते हैं भैयाओ प्रभु का अवतार अच्छी बात है, लेकिन तब ये अहंकार हमें
नहीं करना चाहिए, लेकिन नारद जी ने इनकार कर लिया। और भक्त में अहंकार कैसा, और नारद जी इसी अहंकार में जा पहुंचे भोलेनाथ के पास में। बोले भोलेनाथ, अब आप अकेले काम पर विजय पाने वाले नहीं रहे, मैंने भी काम पर विजय पा लिया। भोलेनाथ बोले, समझ गए कि भक्त के अंदर अहंकार है, और समझ गए कि मैं समझाऊंगा तो ये समझेगा भी नहीं। तो भोलेनाथ ने कहा, बहुत अच्छी बात है नारद जी, लेकिन आप एक हरि भक्त हैं और हरि भक्त के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। तो यहां भोलेनाथ से झगड़ कर आगे चले गए कि आप मेरी तारीफ क्यों करोगे, क्योंकि अब तक आप अकेले काम देख पर विजय पाने वाले थे, अब तो मैं भी हो गया, इसलिए आपको मेरी तारीफ अच्छी नहीं लगी। ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से भी यही बात कही कि मैंने काम देख पर विजय पा लिया। ब्रह्मा जी ने भी समझाया लेकिन ना समझे। अब भोले जी के दो कलियों पहले ही इनके साथ में लगनी गन और जा पहुंचे कहा विष्णु लोक, और भगवान से भी जाकर यही बात कही कि हे हरि, हे मेरे आराध्य देव, मैंने कामदेव पर विजय पाई। अब कामदेव पर विजय पाने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन शब्द में अहंकार छुपा हुआ है। क्या कह रहे हैं भगवान से जाकर, कह रहे हैं कि भोलेनाथ अब अकेले नहीं रहे कामदेव पर विजय पाने वाले। जैसे हमारे बगल में किसी ने दो मंजिल मकान बनाया हुआ हो और हम भी बगल में दो मंजिल मकान बना दें और कहें कि तेरे तेरे दो मंजिल मकान ना थे, हमने दो मंजिल मकान बना लिए, तो ये सब अहंकार का है। उसकी जगह हम ये तो कह सकते हैं कि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, गुरु कृपा से, ठाकुर कृपा से, उनकी कृपा से मेरे भी दो मंजिल मकान बन गए, तो यहाँ पे अहंकार नहीं है। लेकिन हम कहीं तेरा अकेले कोई दो मंदिर ना देख, मैंने दो मंदिर बना के दिखा दिया, तो ये अहंकार। अब विष्णु भगवान समझ गए कि नारद जी को अहंकार हो गया और मेरे भक्त में अहंकार नहीं होना चाहिए। नारद जी बोले कि वाह नारद जी, तेरे तो बहुत बढ़िया काम कर दियो और तेरे तो मेरा नाम बहुत ऊंचा कर दियो, मेरी छाती छोड़ के पूरी 36 इंच की होगी। कहते हैं ना कि भगवान जब किसी को उसके पापों का दंड देते हैं तो पहले उसका घड़ा पूर्ण भर देते हैं, और पापी व्यक्ति पाप करता रहता है कैसे कि ठाकुर जी बापू की कोई ना है वो का कक्ष देख रो, जबकि ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, सही मायने में उसके पाप के घड़ा आपको पहले भर रहे हैं, जब ही थोड़ी ऐसे ही नारद जी का घड़ा भी उन्होंने पहले भर दिया और नारद जी भगवान से मिलकर वापसी चल दिए। अब विष्णु लोग से कुछ ही दूर गए थे तो नारद जी क्या देखते हैं, बड़ी सुंदर नगरी नारद जी को ऊपर से पृथ्वी लोक पर दिखाई देती है। रामायण जी में वर्णन आता है कि इंद्र के इंद्रपुरी से भी सुंदर वह नगरी दिखाई देती है, ब्रह्मा की ब्रह्मपुरी से भी सुंदर वह नगरी है, और जो उस नगरी के स्त्री पुरुष हैं वह कामदेव और रति से भी ज्यादा सुंदर है। अब कामदेव तो कुछ ना बिगाड़ पाए नारद जी को, लेकिन प्रभु की माया ने नारद जी की बुद्धि जो बुद्धि है वह खराब कर दी, भ्रष्ट कर दी। अब नारद जी मृत्यु लोक में आए और आके मां के नर नारी में देखने लगे कि जो इस स्थान के नर नारी इतने सुंदर हैं, तो उस स्थान का राजा कितना सुंदर होगा और उस स्थान पर किसी उत्सव की तैयारी चल रही है। तो नारद जी ने पूछा मां के नर नारियों से कि ये किस उत्सव की तैयारी चल रही है, तो उन्होंने कहा प्रभु हमारी जो राजकुमारी है जो विश्वमणि उसका स्वयंवर है, उसके स्वयंवर की तैयारियां चल रही है। तो नारद जी ने सोचा कि नर नारी इतनी सुंदर है, ये नगरी इतनी सुंदर है, तो इस नगरी की राजकुमारी कितनी सुंदर होगी, जब मैं नीचे आए गया हूं तो एक बार तो राजकुमारी के दर्शन मुझे करते हुए चलना चाहिए। तो महल में जा पहुंचे राजकुमारी के सामने, राजा भी बैठा हुआ है, उसने प्रणाम किया और ऋषि को बैठने योग्य आसन दिया। इन्होंने कहा कि राजन हम तुम्हारी पुत्री का दर्शन करने आए, तो राजा ने अपनी पुत्री को बुलाया, तो नारद जी ने उस पुत्री का हाथ देखा, उसके हाथ में लिखा हुआ है कि जो भी इस कन्या को बनेगा वह तेरे भवन में आठों लोगों का
स्वामी होगा, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ भैया? तेरे लोग आठों भवनों का वह स्वामी होगा। लेकिन नारद जी की जो बुद्धि है वो किसने हल्ली? प्रभु की माया में हल्ली। नारद जी ने वो उल्टा पढ़ लिया। नारद जी पढ़ रहे हैं कि जो भी इससे शादी करेगा वह तेरे भवन आठों लोगों का स्वामी बन जाएगा, ऐसा नारद जी ने पढ़ लिया। अब नारद जी के मन में खलबली मचने लगी, नारद जी के मन में खलबली मचने लगी कि इसे तो अवश्य तुझे ही बनना चाहिए और तू त्रिलोकी का स्वामी आठों लोगों का स्वामी बन जाएगा। अब नारद जी कौन है? नारद जी तो मोड़ा है, साधु संत है, दाढ़ी बड़ी हुई है, जटाएं बड़ी हुई है, उन्हें कौन पसंद करे? कहते जो संकट की घड़ी होती है तो व्यक्ति को जो सबसे प्रिय होते हैं वही उसे याद आते हैं। और हमारे नारद जी के सबसे प्रिय कौन है? श्री हरि, विष्णु भगवान। नारद जी ने विष्णु भगवान का स्मरण किया, उनके लोक तक जाने का भी कष्ट नहीं उठाया, जिस स्थान पर है उस स्थान पर स्मरण कर लिया। भगवान आए, बोले नारद जी बताओ क्यों याद किया? नारद जी बोले ठाकुर जी मुझे आपका, कुछ संत लोग कहते हैं कि उन्होंने ठाकुर जी का रूप उधार मांगा कि मुझे आपका रूप उधार चाहिए, लेकिन रामायण में लिखा हुआ है कि नारद जी ने कहा कि मुझे आप हरि रूप उधार में चाहिए। और माता वो हरि किसको बोलते हैं? नारद जी ने हरि रूप मांग लिया। हरि किसको बोलते हैं? हरि बोलते हैं बानर बंदर को। और भगवान यहां पर कह रहे हैं कि भगत तथास्तु, जिसमें तेरा हित है, क्योंकि तू मेरे बालक की तरह है। भक्त जो होता है वो भगवान के लिए बालक की तरह होता है। छोटा सा बालक अग्नि पकड़ता है तो क्या माँ बाप उसे अग्नि पकड़ने देते हैं? नहीं पकड़ने देते, बालक को रोक लेते हैं। प्यार से नहीं मानता तो थोड़ी डांट से भी रोक देते, क्यों? जबकि बालक को लगता है कि माँ बाप क्यों नहीं पकड़ने दे। आज ऐसा ही कुछ नारद जी के साथ ना होगा। अब नारद जी ने कहा कि मुझे आपका हरि रूप दे दीजिए। भगवान बोले भगत तथास्तु, जिसमें तेरी भलाई है मैं वही करूंगा। लेकिन नारद जी भगवान के कथन समझ ना पाए और सुनने की मुझे तो अब हरि रूप मिल गया, मुझसे सुंदर तो कोई संसार में है ही नहीं, और स्वयंवर में जा पहुंचे। और राजकुमारी जिधर माला को लेकर जाए उधर ही जो उससे उठते हैं उचटना, समझते हो उचटना, यानी अपनी लंबाई को पैरों पन्नों के बल खड़े हो जाते हैं कि मैं सबसे सुंदर हूं, मेरे माला डाले। और इधर भोलेनाथ के दो गणवीर के पीछे लगे हुए मजाक उड़ा रहे हैं, कहते तुम बहुत सुंदर हो राजकुमारी तुम ही भरी। और अंत में विष्णु भगवान उस स्वयंवर में स्वयं आ गए और राजकुमारी ने उन्हें माला डाल दी और विष्णु भगवान उसे लेकर वहां से चले गए। तो अब तो बड़ी तेज गुस्सा आया नारद जी को और बीच रास्ते में भगवान को जा पकड़ा और कहा तू क्या मुझे ऐसे ही समझता है? तूने ऐसे वैसे ही समझा हुआ है, तूने मेरे साथ छल कर दिया। और जानते हो छल की बात नारद जी के कब समझ में आई? जब स्वयं से वापसी आ रहे थे ना तो रास्ते में धनों ने कहा कि विश्व की सबसे सुंदर पोच एक बार अपनी शकल तो देख ले। तो नारद जी ने जब जल में शकल देखी ना तो बंदर बने हुए थे। और नारद जी का जो बीती है ना वो हाई हो गया और भगवान जी आपको रास्ता में, और ऐसे ऐसे संत कहती जिन्हें कभी नहीं कह सकेंगे। और भैया क्रोध में वास्तव में व्यक्ति वो कर देता है जो कभी नहीं करना चाहेगा, वो क्रोध में कर देता है, इसलिए हमें क्रोध को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब नारद जी बहुत अधिक क्रोध हो गए और अंत में नारद जी ने यहां तक कह दिया कि प्रभु जिस कारण जिस पिता में आज मैं दुखी हूं, एक दिन इसी पिता में आप दुखी होकर पृथ्वी पर वन वन बिचरते डोलोगे। भगवान को क्या चाहिए था? यही तो चाहिए था। भगवान बोले भगत तथास्तु, मुझे तेरा श्राप स्वीकार है। और नारद जी ऊपर से अपनी माया हटा दी। जैसे ही माया हटाई नारद जी को एहसास हुआ कि उससे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, नारद जी ने क्षमा मांगी। और जो भोले जी के गण है उन्होंने भी नारद जी से आकर क्षमा मांगी, लेकिन भोले जी ने कहा कि नारद जी आज मेरे जिस रूप के कारण आपको दुख हुआ
क्योंकि नारद जी ने श्राप हमको भी दे दिया यहाँ पर भोलेनाथ के बनो को भी कि तुम वानर बनोगे क्योंकि तुमने मेरे रूप का मजाक बनाया। और आइए प्रभु रामचंद्र जी से जो हमारे हनुमान जी ने वो कुछ बढ़े, क्योंकि जब भी प्रभु का अवतार होता है तो प्रभु की शक्तियां पृथ्वी पर पहले ही आ जाती हैं। ये ध्यान रखना, जब भी प्रभु का अवतार होता है तो जो प्रभु की शक्तियां होती हैं वो प्रभु के आने से पहले अवतार लेती हैं हमेशा। तो आज अंजना मैया तप करने के लिए बैठी हुई है, अंजना मैया बैठी हुई है कहां, तप करने के लिए, और भोलेनाथ की आराधना कर रही है। अचानक से पवन का झोंका आया, बड़ी को अंजना मैया को लगा कि इस पवन देव ने मेरे साथ कुछ शरारत कर दी, पवन देव ने मेरे साथ अवश्य कुछ ना कुछ शरारत की है। तो अंजना मैया पवन देव को श्राप देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसी समय भोलेनाथ प्रकट हुए और भोलेनाथ ने कहा कि अंजना मेरा अवतार होगा और मैं तेरा पुत्र कहलाऊंगा, और अंजना के साथ किसके साथ भी केसरी नंदन के साथ है ना। और आइए इधर महलों में राजा दशरथ जी ने गुरुदेव जी के द्वारा यज्ञ करवाया, और यज्ञ के प्रताप से यज्ञ पुरुष भगवान खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए, और खीर के कटोरे को उन्होंने अपने तीन रानियों में बराबर बराबर विभक्त कर दिया। तीनों रानियों से पुत्र हुए, प्रथम हुए हमारे कौन, प्रभु राघवेंद्र सखा, नौमी तिथि में हुए, और कब हुए, 12 बजे हुए। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला रूप I'm
और राजा दशरथ को चार पुत्रों की प्राप्ति पुत्र रत्न थे, पहले राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी। बोले श्यावर राम चंद्र की। आइए आगे कथा आप सभी ने सर्वण की हुई है कि किस प्रकार रामचंद्र जी को लेकर गए कौन, उनके गुरुदेव लेकर गए, किस प्रकार वन हो गए और वन में जाने के बाद में भरत जी किस प्रकार उनकी खड़ांग लेकर आए और सीता माता को रामन हार ले गया और रामन का किस प्रकार प्रभु ने वध किया, लेकिन हनुमान जी कहां गए, बीच में रह गए हनुमान जी, कहां रह गए, किसके नाम रह गए, सुग्रीव जी और प्रभु रामचंद्र जी की मैत्री भी करवाई हनुमान जी ने। आइए छोटे से वजन में पूरी रामायण को समाहित करने की कोशिश करते हैं क्योंकि समय थोड़ा है और हमारे प्रताप जी महाराज कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हो, श्याम को तो आ रहे हो, बोलिए गया सरकटियाला। हमारे प्रताप जी महाराज की मंडी बड़ी सुंदर श्याम को कीर्तन करने वाली है और सुंदर सुंदर झांकियां भी आएंगी इस कीर्तन में। आइए रामायण को छोटी सी भजन में कह लो, गीत कह लो या माताओं की दी हुई सौगात कह लो, उसी में पूर्ण कर दो। एक छोटी सी कहानी है सिया राम की, एक छोटी सी कहानी है सिया राम की, वो अजब सुहानी है सिया राम की, एक छोटी सी कहानी है सिया राम की। Okay.
मैयाओं, आप सबके और गुरुदेव महाराज के होते हैं।